हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं दोबारा धनिए का ये टिप जो है ये रिपीट करने लगी हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट और किया है, तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। ये मेरा सबसे पहले मेरी वीडियो अगर आपने देखी हो, सबसे पहली वीडियो धनिए की थी जो बाय मिस्टेक गई थी, और उसके बाद फिर मैंने ये कुकिंग शुरू की। बहरहाल अच्छा, इसका ये है कि सेम थिंग, आपने इसको धोना नहीं है धनिए को। इसको आप, मैं धनिया को इस तरह काट लें, बिल्कुल बारीक बारीक सा, जिस तरह का आपने काटना है बारीक सा काट लें। इसको जब आप काट लेंगे, उसके बाद आप एक प्लास्टिक का बॉक्स लें, कोई सा ले लें, ये आम सा मुझे बड़ा अच्छा मिला है, साइज़ के मुताबिक ये मुझे मिला है, इसका ढक्कन भी है साथ। अच्छा, इसमें मैंने पिछली दफ़ा रखी थी प्लास्टिक की ये टोकरी सी इस तरह की रखी थी, ठीक है। अच्छा, मेक श्योर कि टोकरी एग्जैक्टली वैसे ही हो, नीचे भी सुराख हो, साइडों पे भी सुराख हो, ताकि जो उसमें से पानी निकले धनिया में से वो साइडों पे निकल जाए और नीचे निकल जाए। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये किचन टावल नहीं रखा था, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये किचन टावल रख के ट्राई किया है, क्योंकि मैंने ये नोट किया था कि पानी जो है वो नीचे पेंदे पे जाकर उसके बैठ जाता है। तो मैंने कहा कि मैं टिशू रख के देखूं, मैंने देखा है कि टिशू रख के मैंने जब देखा है तो उसमें पानी जो है वो सारा टिशू एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो ज़्यादा बेहतर लॉन्ग लास्टिंग रहा है। हाँ जी, अब ये धनिया बारीक बारीक काट लें। इस धनिए को आपने इस टोकरी में डाल देना, इस टोकरी में डाल के, और उसको उसको ढक्कन के से आपने ऊपर कवर कर देना, ज़रा फैला के डालें, खुला हो। इसमें और भी आप जा सकते हैं, अगर बड़ी टोकरी है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, इसके बाद आपने ढक्कन दे देना है इसके ऊपर। जब आप एक दो दिन के बाद जब आप इस्तेमाल करने के लिए निकालेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि ढक्कन के ऊपर ज़रा सा पानी सा आया होता है, कंडेंसेशन जो सी होती है वो डेवलप हुई होती है, वो पानी आया होता है। आपने उसको टिशू से ले के किसी चीज़ से इसको साफ़ कर दें। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे, और दूसरा आप ये देखेंगे कि इसके कॉर्नर जो से हैं बॉक्स के, इसमें आपको हल्की सी नमी सी लगेगी, इधर भी पानी होगा, उसको भी ज़रा टिशू से साफ़ कर दें, उससे आपका धनिया देर तक रहेगा। ये तकरीबन कोई मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कोई 10 से 15 दिन मेरा आराम से निकल गया धनिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेक श्योर कि धनिया अच्छी क्वालिटी का हो। अच्छा जी, धनिया का तो हमारा एक्सपेरिमेंट था ही था। ये धनिया है मेरा, ये जो मैं वीडियो अभी डाल रही हूँ, ये तकरीबन इस धनिए को हो गए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 10 दिन हो गए हैं इस धनिए को, ठीक है ना। हल्का सा कलर चेंज है, लेकिन देखिए फर्स्ट क्लास है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये मैं लेके आई थी कोई हफ्ता पहले, मिंट और पार्सले, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने इस्तेमाल किया था, बाकी बच गया था, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि इसका क्या बनता है, क्योंकि आपको पता है पुदीना जो है वो आपने मतलब 2 दिन से ज़्यादा फ्रिज में नहीं चलता। ये मैंने क्या किया कि मैंने टिशू लिया, ये देखिए टिशू है, इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, और मैंने अभी खोला है बनाने के लिए, तो ये देखिए ज़रा पत्ते, हल्का सा पत्ता इधर से ज़रा सा हुआ है, या कोई एक आधा पत्ता, शायद ये पुराना पहले का थोड़ा सा डैमेज भी होगा। तो ये देखिए, ये 10 दिन हो गए इसको, इस पुदीने को और इस पार्सले को, ये देखिए पार्सले मैंने ऐसे ही रख दिया था, मैंने कहा मैं देखती हूँ कि क्या बनता है। तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर कर दूँ साथ ही, ये भी मैंने देखा है निकाला है, तो मैंने कहा मैं वीडियो डालूंगी, तो मैंने कहा डालने लगी हूँ, तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ और मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करती फिरूँ, मैं आपको वीडियो में ही डाल देती हूँ। अगर धनिया, अगर ये इस तरह बच जाता है, तो आप इसके ऊपर टिशू रख के, ये धनिया है हमारा, ठीक है, ये धनिया है, ठीक है, इसके ऊपर टिशू रख के और ऐसे कर दें, ठीक है। ये देखिए, मैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरा पुदीना कभी भी नहीं बचता। ये देखिए पुदीना, ये 10 दिन हो गए इस पुदीने को, ऐसे कर दें, ठीक है ना। अच्छा, और ये देखिए जो मैं आपको कहती थी ना, ये हल्का सा कंडेंसेशन हुई होती है, पानी आया होता है, ये इसको आप टिशू से साफ कर लें। ये देखें टिशू, इससे आप अच्छी तरह साफ कर लें, ठीक, किचन टावल जो सा होता है उससे साफ कर लें आप। अच्छा, और मैं आपको अभी वीडियो में शुरू में बता रही थी कि ये देखें ये पानी है, ये देखें ये वाला पानी है, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको, ये पानी है, इसको ऐसे, इसको भी सारे को डिब्बे को साफ कर, ये देखें इनका सा हो गया, इसको सारे को साफ कर लें, क्योंकि पानी नहीं होगा तो आपकी चीज़ें सही रहेंगी। ये पानी, क्योंकि जाहिर है ग्रीन वेजिटेबल है, सब्जी है, उसमें तो सब कुछ होता है ना, तो ये बहुत मुझे खुशी हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपको ज़रूर बता दूँ। मैं हूँ ऐसी, मुझे अच्छा लगता है किसी को बता के, अगर कोई चीज़ मेरे से ज़रा सी भी चीज़ अच्छी हो गई है तो मैं किसी को ज़रूर बताऊँ, ताकि जो गलती मेरे से हुई है किसी से ना हो। ये मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया, क्योंकि मैं अभी इसको बनाने लगी थी, तो इसलिए, ठीक है। हाँ जी, आप प्लीज़ ज़रूर ये ट्राई करें, और मैं सब अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर
आप मेरी कोई और वीडियो शेयर करें या ना करें, लेकिन प्लीज़ टिप्स वाली वीडियो ज़रूर शेयर किया करें ताकि किसी को फ़ायदा पहुंच सके। और अगर आप लोगों को मेरी कोई चीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।